हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। रक्सौल में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया। उन्होंने पीएम मोदी का हाथ मजबूत करने की सभी रक्सौल वासियों से अपील की। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल की विजय सुनिश्चित करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रक्सौल में रोड शो किया, जिसे व्यापक जन समर्थन मिला। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने डॉक्टर संजय को जिताने की अपील करते हुए कहा कि 12 मई को कमल के फूल छाप पर वोट दीजिए ताकि देश का विकास रुके नहीं। और मोदी जी आपके बीच रक्सौल में पधार रहे हैं, मोदी जी पधार रहे हैं। अभी अभी सबके लिए आवास योजना के तहत सैकड़ों लाभुकों को किस्त का भुगतान किसी न किसी बहाने से नहीं किया जा रहा है। आज से 6 माह पूर्व लाभुकों को वर्क ऑर्डर दिया गया और न्यू रखने के बाद उनका जियो टैग भी किया गया, पर अभी तक पहले किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। इस समस्या को लेकर जनजागरण शक्ति संगठन के बैनर तले नगर परिषद कार्यालय पर एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लाइट की व्यवस्था, शौचालय की रकम, वार्ड में साफ सफाई सहित कई मांगों को लेकर एक मांग पत्र कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद अररिया को सौंपा गया। अच्छा ठीक है, आप किस वार्ड में रहती हैं? 2 नंबर वार्ड। अच्छा, आप गड्ढा जो खोदे थे क्यों खोदे? मकान के लिए। कौन आपको बोला मकान खुद बनाने के लिए? क्या जो 20 लोग आप कह रहे हैं कि गड्ढा खुदा हुआ उसी का सूची दे दीजिए। उसको शनिवार को जो आदमी भेजा है उसी में गड्ढा है कि नहीं? शनिवार को जो आदमी आया है उसी फोटो लिया। आज भाई सुनिए ना, शनिवार को जो आदमी आया वही कह रहा है 3 आदमी की बात। जैसे जैसे छठे चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग अपनी सीमाएं लांघ रही है। इसी कड़ी में सीवर लोकसभा क्षेत्र के सिकारगंज हाई स्कूल के मैदान में महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सैयद फैजल अली के पक्ष में एक सभा को संबोधित करने महागठबंधन के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, शरद यादव और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी पहुंचे। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता है तो 11 बजे रात के बाद विधायक मंत्री समेत बड़े बड़े अधिकारी के मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाकर देखे, सब शराब पिए हुए मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह को फालतू आदमी बताया है। शराब बिक्री के नाम पर ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को मदद कर रहे हैं और उनका पैसा घूस में ये ले रहे हैं। और दूसरा कि आज 2 लाख लोगों पर कार्रवाई हुई है शराब के कारण, उसमें 1,40,000 लोग जेल जा चुके हैं, जेल गए हैं जमानत लिए हैं, जेल गए हैं जमानत लिए हैं। कहने का मतलब उन परिवारों को सोचा जाए कि कौन जेल में गए हैं, कि एक मजदूर काम करके अगर घर जा रहा है, पाभर शराब उसने पी लिया तो उसके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, अब तो पी लिया है तो पकड़ा गया, जेल में चला गया। हम कहना चाहते हैं नीतीश जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता है
तो 11 बजे रात के बाद यहाँ के आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर, जज, मंत्री, विधायक उसके मुंह में ब्रेथेन नजर लगाइए। सब प्रसाद जी ने एक मल्ला का बेटा को गले लगाया। साथियों, आज आप लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है, हमारे संगठन का, पार्टी के सभी पदाधिकारी को, कि 71 साल में आप बिहार में एक टिकट मांगने के लिए बड़े से बड़े पार्टी के पीछे आपका चप्पल घिस जाता था, लेकिन आपको टिकट नहीं मिलता था। पहली बार बिहार में मल्ला का बेटा टिकट मांगने वाला काम नहीं कर रहा, टिकट बांटने का काम किया। साथी समझे कि टेलीफोन इसी में है और कांग्रेस के लोग समझे कि हाथ इसी में है और हमारे उपेंद्र भाई का जो चिन्ह है सीलिंग फैन वो भी सब इसी में है। सब के मेल से यहाँ पर जो 12 तारीख को चुनाव होना है उसमें लालटेन छाप पर बटन दबा करके हमारे फैसल अली साहब को जिताने का काम करें, ताकि दिल्ली में एनडीए की सरकार को हटा करके हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और महागठबंधन की सरकार वहां बना करके आज लालू जी जेल में हैं। लालू जी को फंसाने की बात जो हम पहले कहा कि जब सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा कि साहब इनको फंसाया गया है, इसे ज्यादा प्रमाण क्या है, लेकिन उसके बाद भी उनको जेल में रखा जा रहा है और जेल मैनुअल के खिलाफ उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनको टेस्ट के लिए दूसरे मकान में ले जाने की बात होती है तो कहता है कि इनका जान का खतरा है। कहने का मतलब लालू जी को मारने का पूरा इंतजाम सरकार कर रही है, इसलिए जैसी ही हमारी सरकार बनेगी वहां पर और दिल्ली में महागठबंधन की, लालू यादव को हम लोग न्याय दिलावेंगे, लालू यादव को न्याय दिलावेंगे, ये कहना चाहते हैं। और दूसरी बात कि जो पलटी मार करके हमारे नीतीश कुमार जी आपका वोट लेकर के आज उनसे गलवाही करके जिसको कहते थे ये बड़का झूठा पार्टी है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और आज भाजपा के साथ चले गए हैं, तो इनको भी हम लोग पलटने का काम करेंगे और जैसे ही सरकार बनेगी दिल्ली में इनको पलटेंगे और भाई तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करेंगे। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये भाई फैसल अली युवा है और जितनी बातें आपके सामने कही हम लोग तो गुस्सा कर रहे थे कि आप आने वाले समय में हैदर को और लाल पेन जाइए और एक नहीं हाँ तो एक मंत्री है, क्या नाम उसका, राधा मोहन, जब ये बोलता है तो देखना इसको ऐसे कोई बोतल हल रही है, हलते हलते बोलता है जैसे कोई अटक गया अंदर, कोई शब्द अटक गया है, ये बिल्कुल फालतू आदमी है। ये कमाल है, बीजेपी कभी ना जाने लगी नहीं थी, इतने दिन से आदमी जीत रहा है, क्या हो गया आपको, एक वोट भी इस आदमी को नहीं मिलना चाहिए, चारों तरफ भूल करके इसको हराने का काम करो। नालंदा लोकसभा सीट के एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार की जीत सुनिश्चित कराने के लिए नालंदा में कई मंत्रियों और नेताओं का तूफानी दौरा जारी है। इसी कड़ी में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सोसराय में वार्ड पार्षदों के सम्मेलन में विरोधी दलों के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो भी महागठबंधन के बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं उन्हें जनता ने चित कर दिया है और जब परिणाम आएगा तो सभी औंधे मुंह गिर जाएंगे और 3-4 दिनों तक उन्हें होश नहीं रहेगा कि आखिर यह क्या हुआ है। जो हमारे पार्ट काउंसलर आए हैं विपरीत परिस्थिति में, एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई, जिस तरह से विकास जी राजगीर के वो भी भाषण कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमको किस तरीका से हम कैसे बूथ पर काम करें कि अधिक से अधिक मेरा वोट पूर्ण हो और हम लोग अपने उम्मीदवार को सर्वाधिक वोटों से जिताने का प्रयास करें और जिताने का संकल्प लें। हमारे रामचंद्रपुर जो हमारा वार्ड है, उमेश जी जब भी हम लोग के साथ रहे, 40 में 40 सीट जीतेंगे और जो बड़े बड़े नेता उनके घूम रहे हैं सब नेता को बिहार की जनता ने चित कर दिया है, जैसे ही गिनती शुरू होगा औंधे मुहे गिरेंगे तो 3-4-5 दिन तक पता नहीं चलेगा कि किस कमरे में सोए हुए। अरवल के कुर्था के हाई स्कूल मैदान में तेज प्रताप यादव की चुनावी सभा हुई। सभा में उन्होंने निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के समर्थन में वोट की अपील की। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कुर्था में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजद प्रत्याशी सुरेंद्र यादव पर तिलकुट चोर एवं छनौटा से मार खाने वाला कहकर तंज कसा। आरएसएस
आई जो बैरूपिया सब जगह जो घूमने का ढिंडोरा अपना जो डफली बजान रहे हैं, डफली प्लेट और चम्मच पीट रहे हैं सब जगह जा जा के। आपका जहानाबाद का कहाँ विकास हुआ? क्या विकास करने का काम हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ, जस का तस तो पड़ा हुआ, हम तो देख रहे हैं अपने आंख से। नौजवानों को ठगा गया, महिलाओं के ऊपर क्या किया गया? जहां जहां पलटू चाचा जी का सभा हुआ वहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का काम किया, दुपट्टा हटवाया गया, बताइए। महिलाओं को टारगेट किया गया, महिलाओं को पिटवाया गया, ये आप लोग को तय करना है कि कैसे पढ़े लिखे नौजवान को जो आपके घर का है, जो आपके घर का बेटा है, आपका भाई है, ऐसे लोगों को हमने जो पार्टी से 15-20 साल से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता, जो पार्टी का जो नींव होता है, जो पार्टी का जो रीढ़ होता है, जिस पे पार्टी खड़ा रहता है, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करने का काम किया। घोटाला, फिर बालिका गृह घोटाला, बालिकाओं को हत्या करके उसी अंगना में गाड़ने का काम किया, सब माल हड़प लिया, अडानी को दिया, अंबानी को दिया, जो किसान है, जो किसान खेत में, आप लोग किसान हो, आप लोग खेत में काम करते हो, आपका खून पसीना जो कमाई आया और उसका ये निकम्मी सरकार हड़प करके दिल्ली में भेजने का काम किया। इसलिए चंद्र प्रकाश को आप लोग कीमती से कीमती जो प्रेम है, मैं वोट नहीं करूंगा, मैं प्रेम, आपका जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, वो देने का काम कीजिए कीमती से कीमती। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।